हिम्मत की बात है और संघर्ष की बात है तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं कुछ उस जर्नी के बारे में बताइए मैं हमेशा स्टूडेंट्स जब कहते हैं है, मैम बहुत निराश हो रहा हूँ तो मैं कभी कभी उनको कहती हूँ कि बेटा मेरी लाइफ देखो कहना तो तुम्हें महसूस होगा कि भाई जिंदगी झंड है लेकिन फिर भी घमंड है <laughs> ये मेरे पर एकदम फिट होता है क्योंकि मैंने बहुत नीचे से शुरुआत की दिल्ली आई ट्यूशन पढ़ाया घर घर जा ट्यूशन पढ़ाया कुछ लोग को लगता था जैसे कि ट्यूटर है इनकी क्या इज्जत है स्पोकन पढ़ाया उसके बाद जब इंस्टीट्यूट खोला तो उस समय उम्मीद नहीं थी कि इंस्टीट्यूट से भी कुछ अच्छी कमाई हो सकती है तो शुरुआत किया तो ठीक ठाक चलने लगा तो उसके बाद प्रेशर आया कि नहीं आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए क्योंकि आपका अकाउंट्स बता रहा है कि नहीं आप ठीक कर रहे हो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको दो डायरेक्टर्स की ज़रूरत है तब तक शादी हो गई थी तो लगा कि भाई आप किस पर भरोसा करेंगे अपने लाइफ पार्टनर पर अब पता नहीं था कि जिंदगी में इतना प्रॉब्लम आने वाला है कि वही हमें मारपीट कर निकाल देंगे तो यही हुआ जो पहली कंपनी थी इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर गई मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैंने या किसी ने नहीं सोचा था कि हम उस लेवल पे सक्सेसफुल होंगे लेकिन मैं शुरुआत से वहीं रह गई पढ़ाना मैनेज करना बच्चों को संभालना सब कुछ देखना जब पैसा आया तो अगले का दिमाग खराब छोटी नदी में बाढ़ जल्दी आता है तो हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना जब पैसा देखते हैं तो थोड़ा सा बुरा आ जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही बुरा के पूरा वर्ल्ड टूर करना ये पहाड़ वो पहाड़ मतलब अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी फिर उनको पता नहीं क्या हुआ कि अपने गांव के अपने रिलेटिव्स अपने दोस्त के उसके भाई सबको ला हर सेंटर पर फिट करना शुरू कर दिया ये मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था इला ये आगरा के सेंटर में कि अभी सेंटर खुला ही है एक ही बिल्डिंग है तो हम एक जो बैच चेकर है उससे काम चला सकते हैं तीन तीन बैच चेकर क्यों अपॉइंट किया गया है तो उन्होंने करीबन अपने पचास साठ लोगों को अपॉइंट कर लिया पूरे सेंटर में एंड दो हज़ार चौदह आते आते उनका इरादा तो जो था वो था कि पूरा कब्जा करने का तो कुछ एक दो लोग और थे मैनेजमेंट में जिनको मैंने ही रखा था उनसे उन्होंने राय ली कि अगर नीतू सिंह अब नहीं रहे तो क्या होगा तो उन लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा कंपनी बहुत बड़ी हो गई है नीतू मैम करती क्या है थोड़ा बहुत टेस्ट पेपर देखती है कुछ बुक्स वगैरह बनाती है ऐसा कुछ है नहीं मैनेज हो जाएगा उसके बाद मेरे साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी चीज़ें हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एक समय ऐसा था देखिए कभी आप ऑफिस में परेशान होते हो तो घर वाले संभालते हैं घर में परेशान होते हो तो ऑफिस के दोस्त संभालते हैं मैं दोनों तरफ से गई पर्सनल लाइफ खत्म प्रोफेशनल लाइफ में यह हालत कि मुझे मेरे मुनिरका सेंटर में बाउंसर ने लेडी बाउंसर ने मुझे पीटा और फिर जाके पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेन किया कि मुझे इन्होंने जाति सूचक शब्द कहा है लेकिन उसका सीसीटीवी वीडियो सीसीटीवी वीडियो बता है कैसे बच गया था वो क्या हुआ था कि मुनिरका में घपला भी हो रहा था अकाउंट्स का तो मैंने जो कैमरा मैन था क्योंकि कैमरा मैन वगैरह तो सब कुछ मैंने ही जो सीसीटीवी वाले थे उनसे मैं ही बात करती थी मैंने उसको कहा था कि डायरेक्ट कनेक्शन कर देना क्योंकि इन लोग जब घपला करते हैं ना तो स्विच ऑफ़ कर देते हैं उसने क्या किया था डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया था इन लोगों ने मेरे पहुँचने से पहले सी सी जो था स्विच ऑफ़ किया था इनको पता नहीं था डायरेक्ट कनेक्टेड वरना उस केस में मैं पिट भी गई और मैं अंदर भी हो जाती अगर वो फुटेज नहीं रहता तो क्योंकि मेरे पर एस टी एस सी का मुकदमा दर्ज करने के लिए वो लड़की पहुंच गई थी उसमें शायद बेल भी नहीं है ऑफ कोर्स उसमें तो जांच बाद में होता है अरेस्ट तो पहले होता है तो यहाँ तक मेरे साथ हुआ और मैंने सर सर एक ही चीज़ ठाना था कि अगर मैं आज टूट गई तो मैं जो इतना बच्चों को सलाह देती हूँ एडवाइस देती हूँ हिम्मत रखो मजबूत बनो आगे बढ़ो मेहनत करो फिर कहेंगे कि बोलने का काम कुछ और, और दिखाने में कुछ और बोलने और करने में कुछ और ये हो जाएगा फिर मैंने यही डिसाइड किया कि आई विल हैव टू आई विल हैव टू सर्वाइव। और मैंने के डी कैंपस खोला के डी कैंपस जब खोला तो के डी कैंपस पर केस मुझ पर केस फिर uh, मैंने कहा आपको कि मेरे मुझे ही पीटना मेरे पर क्रिमिनल केस करीबन मेरे पास मेरे पर, पर करीबन चार क्रिमिनल केस उन्होंने ठोका दो तो आज तक चल रहा है तो क्रिमिनल केस सिविल केसेस करीबन सिविल केसेस में बताती हूँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड एट्टी सिविल केसेस थे मेरे ऊपर और उन लोग का था कि इसको इतना परेशान कर दो कि ये के डी चला ही नहीं पाया और हुआ क्या एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैं हर रोज़ दो बजे के बाद मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करती थी प्लीज़ दो बजे के बाद टाइम दो क्योंकि मॉर्निंग में बैच चलता था और दो बजे के बाद रेगुलर बेसिस पे मैं कोर्ट में होती थी क्योंकि उसके बाद दो से लेकर चार साढ़े चार बजे तक यही आर्ग्यूमेंट चल रहा है और बात ये दो हजार पंद्रह सोलह सत्रह तक यही सब केसेस चलता रहा आप जिस फील्ड में हैं ज्योतिष शास्त्र में मैं तो मानती हूं सर कि आप भी जानते होंगे कि आपका जो कर्म है वो वापस आके आप पर पड़ता है इसीलिए आप किस्मत को भी मानते होंगे और कहते होंगे कर्म भी सुधारना पड़ेगा ये काम करना पड़ेगा ताकि ये आपका सही हो क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा।, पढ़ा है कि अगर शनि है तो भाई आप गरीबों के साथ थोड़ा ढंग का व्यवहार करिए तो शनि खुश होंगे आपके जो कर्म होते हैं आप पर पड़ते हैं उन्होंने मुझे बर्बाद करने की जितनी कोशिश की वो बर्बाद होते गए अभी हाल में उनकी कंपनी दिवालिया थ्रू कोर्ट घोषित हो गई मात्र एक करोड़ चौदह लाख के लिए उनकी कंपनी दिवालिया घोषित हुई है जिसका टर्नओवर एक समय में 200 हंड्रेड सी पार कर रहा था पर तो अस, अफसोस होता है कभी कभी मैं आपको सच बताती हूँ आज कैमरा के सामने मुझे किसी ने फोन करके बहुत खुशी खुशी बोला कि मैडम आपको पता है मैंने कहा क्या अरे कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है मात्र एक करोड़ चौदह लाख रुपए के लिए वो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई और आप उस पर कोर्स कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जो होगा उसका कब्जा होगा सर मैं रो पड़ी मुझे रोना आ गया मेरा बेटा कहा तुम क्यों रो रही हो मैंने कहा उसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा था और अपनी जवानी के दस साल उस कंपनी को दिए थे जिस कंपनी को इन लोगों ने बेच के इन लोग बर्बाद करके खा के कोई उन लोग को कुछ भी नहीं एहसास होता होगा क्योंकि उन लोगों ने बनाया नहीं बनाया था मैंने लेकिन केड़ी कैंपस फिर मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने महसूस किया स्टूडेंट्स को फील हुआ है सब स्टूडेंट्स को कि मेहनत इसने की है स्टूडेंट्स ने मेरा साथ दिया फिर मेरी जो किताब थी वो जो बच्चे पढ़े हुए थे धीरे धीरे वो हमारे पास आते गए तो आज मैं कह सकती हूँ कि मुखर्जी नगर में कम से कम इतना सम्मान मैं ज़रूर पाती हूँ कि लाइफ में बहुत नीचे से ऊपर पहुँची हूँ फिर बहुत गर्द में गई हूँ पर्सनल प्रोफेशनल सब बर्बाद फिर अब ठीक ठाक पोजिशन में हूँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तो एक तो भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी और अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगी जो स्टूडेंट्स मेरे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया